पल पल गई बेहा। पल पल गई बेहा, पल पल गई बेहा। आँखी के रे मट गए, कबीर आँखी के रे मट गए। पल पल गई बेहा, पल पल गई
कबीर अखी के रे माट के पल पल गई बेहाय पल पल गई कबीर आखी के रे मट के कबीर आखी के रे मट के पल 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 गई बिहार पल 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 गई बिहार मन जंजाल ना छोड़ मन जंजाल ना छोड़ जम जम दिया दुमा पल पल गई दिन ते पहर दिन ते पहर पहर ते घड़िया पल पल गई पहर ते घड़िया आव घटे पल पल गई बिहार आव घटे तानी छीजे कॉल अहेरी कॉल अहेरी फिरे बदक जो कहो कौन विद की जय बीत जे है बीत जाए सो दिन आवन लगा सो दिन आवन लगा बीत जाए है बीत जाए जन्म अकाज रे अकाज रे निस दिन सुन के पुराण समझत ने रे अजान काल तो पहुँचो आन जम दिया दमामा काल तो पहुँचो आन कहाँ जय है भाजरे कहाँ जय है भाजरे हर जसुरे मना गायल हर जसरे मना गायल जो संगी है तेरो
अवसर बीत जात है, पल पल गई बिहार, अवसर बीत जात है, कहो मान ले मेरो पल पल गई बिहार, कहो मान ले मेरो जो दिन आवे जो दिन आवे सो दिन जाई, कई दिन खुशियां दे हुंदे ने, मुबारकां दे हुंदे ने, उन्हां दिनां नूं मनुख उड़ीकदा है, पर ऐसे खुशियां दे दिन जिन्हां नूं उड़ीकदा है कि उन्हां नूं रख भी सकदा है। मैं देखदा कई बार खुशी दे दिहाड़े सवेर तों शामा तक हर पल मनुख खुशी मानदा है, नहीं चाहता ये दिन खत्म हो जाए, पर दिन चला जाता है, जो दिन आवे सो दिन जाई, चला जाता है। करना कुछ रहन थिर नहीं, किसे भी दिन ने हमेशा नहीं रहना, दिन ते सर पर पौसी रात, रहन गई फिर होए प्रभात, ए जीवन दा एक सिलसिला बनया हुआ है, रुकदा नहीं, इसलिए तो जीवन नू मुसाफरी आखदे ने, हर मनुख एक मुसाफर है। पर एक ख्याल करियो, हर मुसाफर दी कोई मंजिल ते हुंदी है ना, उन्हें कित्थे जाना है ता मुसाफर, जीवन ने रुकना नहीं, समय ने रुकना नहीं, तुरया जाना है। भाई वीर सिंह जी दे कहन मांगो, रही वास्ते कहत समय ने एक ना मन्नी, वास्ते पाउंदी रही मेरी बचपन दी अवस्था बनी रहे, बचपन चला ना जाए, चला गया, फिर जवानी आई, मैं आख्या हुण जवानी चली ना जाए, बड़ी कोशिश की पर जवानी चली गई, रुकिया रुकी नहीं, ना बचपन रुकिया ना जवानी रुकी। भाई वीर सिंह जी ने आख्या, कहन लगे रही वास्ते कत समय ने एक ना मन्नी, कहन लगे फड़ फड़ रही तरीक समय खिसकाई कन्नी, खिसक गया तेरे हाथ नहीं रहा, सफर है मुसाफर का दा जे रुक गया। पर एक ख्याल करियो, जड़ी देखनी है गल, ओ एक हर मुसाफर दी कोई मंजिल ते है ना, कित्थे जाना है। मैं एक बार की थी सी, जिस सफर दी मंजिल कोई ना होवे उनु पटकना आखदे ने, पता ही नहीं कित्थे जाना है, कोई ठिकाना नहीं, कोई मंजिल नहीं। कह लगे जीवन एक पल पल करके, लफज पल भी विचारने वाला है, अखी केरे मटके, अखां दा मटकाउना अपने आम बोली दा लफज है, अखां दा मटकाउना, ते मटकाउना की हुंदा, एक बार अख बंद करनी मुड़ खोलनी, मटकाउना, ते जदों ओ बंद करदा है ना अख, तो उदों जिहड़ा उपरला पड़दा हुंदा
ਆਖਦਾ ਇਹਨੂੰ ਪੜਦੇ ਨੂੰ ਪਲਕ ਆਖਦੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰਲਾ ਛੋਟਾ ਪੜਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਪਲਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਲਕ ਆਖਦੇ ਨੇ ਆ ਉੱਪਰਲੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ। ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਲਕ ਥੱਲੇ ਆਵੇ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਉੱਪਰ ਜਾਵੇ ਇੰਨੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਲ ਆਖਦੇ ਨੇ। ਪਲ ਲਫ਼ਜ਼ ਇੱਥੋਂ ਬਣਿਆ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅੱਖ ਦਾ ਮਟਕਾਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਖੋਲ੍ਹਣਾ, ਪਲਕ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਕਰਨਾ, ਮੁੜ ਉੱਪਰ ਜਾਣਾ, ਬਸ ਇੰਨੇ ਕੁ ਸਮੇਂ ਦਾ ਨਾਮ ਪਲ ਹੈ। ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਿਆ ਇੱਥੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਰ ਪਲ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ, ਚੇਤ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਖਿਆਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਅੱਖ ਬੰਦ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਅੱਖ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਲਕ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਅਰਥ ਨਾ ਗੁਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੀਮਤੀ ਹੈ ਉਹ ਸਮਾਂ ਵੀ ਕੀਮਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪਲ ਬੀਤ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਪਲ ਮੁੜ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਲਈ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਬੀਰ ਕਬੀਰ ਆਖੀ ਕੇਰੇ ਮਟ ਗਏ, ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਟਕਾਉਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨਾ ਪਲਕ ਸਮਾਂ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਓਨਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਆਧਾਰ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੁੜ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਕਬੀਰ ਆਖੀ ਕੇਰੇ ਮਟ ਗਏ, ਪਲ ਪਲ ਗਈ ਵਿਹਾਰ, ਪਲ ਪਲ ਗਈ ਵਿਹਾਰ, ਪਲ ਪਲ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਗਿਆ, ਬੇਮੰਜ਼ਿਲਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ, ਕੋਈ ਮੰਜ਼ਿਲ ਬਣਾ। ਮਨ ਤਾਂ ਇੱਕ ਐਸੇ ਜੰਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਿਆ ਉਹ ਤੁਰਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤਾਂ ਮਨ ਨਾਲ ਹੀ ਤੈਅ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਜੀਵਨ ਤਾਂ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਹੀ ਗਿਆ, ਮੰਜ਼ਿਲ ਤਾਂ ਮਨ ਨਾਲ ਤੈਅ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਜੀਵਨ ਅੰਦਰ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਦੂਰ ਨੇ, ਇੱਕ ਸੰਸਾਰ ਇੱਕ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਇੱਕ ਰੱਬ ਇੱਕ ਜੱਗ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਦੀਨ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੋ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਨੇ। ਮਨੁੱਖ ਕੁਛ ਲੋਕ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਮੰਜ਼ਿਲ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਚਲੋ ਮੰਨ ਲਓ, ਤੇ ਕੁਛ ਲੋਕ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਜ਼ਿਲ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਦੋਹਾਂ ਵੱਲ ਸਫ਼ਰ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਏਗਾ ਨਾ, ਪਰ ਕਿਹੜੀ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨਾ ਸੰਸਾਰ ਹੋਵੇ ਨਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਬੇਅਰਥ ਹੈ, ਬੇਮੰਜ਼ਿਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੇਵਲ ਨਿਰੰਕਾਰ ਰੂਪ ਮੰਜ਼ਿਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਔਖੀ ਲੱਗੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਉਸ ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਤੇ ਮੰਜ਼ਿਲ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਉਸ ਰਾਹ ਤੋਰ ਹੀ ਨਾ ਸਕਿਆ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹਿ ਸਨ ਜੇ ਮਾਰਗ ਪੰਡਿਤ ਗਏ ਪਛੇ ਪਰੀ ਬਹੀਰ ਇੱਕ ਅਵਘਟ ਘਾਟੀ ਰਾਮ ਕੀ। ਉਹਦਾ ਰਸਤਾ ਜਿਹਨੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਬਣਾਈ ਹੋਵੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਬਰੀਆ, ਤੇਰੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਉਹ ਹੈ, ਪਰ
उस मंजिल वाल वधन वास्ते राह मनुख नू बड़ा औखा नजर आया। एक अवघट घाटी राम की उत कबीर कहिंदा मैं कल्ला ही रह गया, कोई नाल तुरे ही नहीं, औखा रस्ता। बल्कि बाबा कबीर जी ने आख्या, कहन लगे जिस आधार ते मैं तुरिया सा भी ये मन मैनू उत्थे पहुँचा देवेगा, उन्हू बैल बनाया सी, बल्द बनाया सी भी मेरी गड्डी चलाएगा। वह भी जो राम की घाटी वाल चढ़न लगा वह भी थक गया, उन्हें आख्या मैं भी तेरा नाल नहीं साथ नहीं दे सकता। बाबा कबीर जी ने यह गल आखी, कह लगे जदों घाटी चढ़त बैल एक थाका, एक बैल च थक गया। उन्हें जवाब दे दिता, क्योंकि मन बैल सी, गुरबाणी ही एक गल का फैसला दिंदी है। बाबा कबीर जी ने इस गल नूं होर नखेड़िया, मन कर बैल सुरत कर पैंडा, गुरबाणी मन कर बैल सुरत कर पैंडा, ज्ञान गोण भर डारी। कहन लगे जदों रब दे राह तुरना होवे उदों मन नूं बैल मजबूत बैल बनाना पैंदा है, एहो ही गड्डी नूं लै के रब वाले पासे तुर सकदा है। गुरु ने इसे लिए आख्या, कहन लगे हे मन चल रहे बैकुंठ तुझे लेता रूं, हिचे तो प्रेम के चाबक मारूं, तू मेरा बैल है, मेरा घोड़ा है, तू मैनू उत्थे पहुँचाएगा, तेरे बिना तो मैं राम राम कहिंदा रहा, वाहिगुरु वाहिगुरु कहिंदा रहा, मन नाल संबंध ना, मन तू ना लै के तुरे कुछ फायदा नहीं। राम राम सब को कहे, कहें राम ना होए गुर प्रसादी, राम मन वसे तेरे साथ दी लोड़ है। मन कर बैल सुरत कर पैंडा, ज्ञान गुण भर डारी, कैद कभी की कैद कभी सुनो रो सिन तो निभी खेप हमारी। इं उत्ते ज्ञान दी भरी हुई गून बोरी रखी हुए, पर कहन लगे मुश्किल ये बन गई मेरी कि मैं संसार अंदर ना तो निरंकार दे राह ते तुर सकिया, ये गल औखी सी। मेरी मंजिल रब भी ना बनिया, बल्कि वो मंजिल तो मैं भुल ही गया, राह भी भुल गया, मंजिल भी भुल गया, ते रह गई संसार दी मंजिल। संसार दी मंजिल वो भी मैनू परवान ना होई। संसार दी मंजिल की है? जग दी मंजिल है मौत, रब दी मंजिल है जीवन, पर जग दी मंजिल है मौत। मृत मंडल जग साजिया, ज्यों बालू घर बार, संसार दी मंजिल मौत है। आखिर जो तुरदा है जीवन, ते जीवन अखीर ते किथे पहुंचदा है? बचपन, बचपन तो जवानी, जवानी तो बुढ़ेपा, ये तीन पड़ा तय करदा करदा अखीर नूं मौत दे दरवाजे ते पहुंच जांदा है। हालांकि अपनी रचना तो गुरु ने ही एक आवाज दी, कहन लगे साई जाए समाल जिथे ही तो वंजना। अपनी मंजिल चेते कर, जिथे तू जाना है। सफर एक वखरा विषय पर मंजिल एक वखरा विषय है। एक सी मंजिल रब वाली, उधर तेनू चलना औखा होया, तेरा मन भी ना चलिया, पर दूजी मंजिल सी संसार दी, वो तेनू परवान है, तू तो मौत तो भी डरी जाना, वो मंजिल भी तेनू परवान है। जग मरण ना भाया, नित आप लुकाया, मत जम पकड़े लै जाए जियो, तेनू वो भी मंजिल परवान नहीं। तू तो घर भी अपना रहायश भी किसे मसान भूमिका दे नेड़े नहीं बनाना चाहता, कितने मैनू दिसदी ना रवे,
मेरी मंजिल, तू अपनी मंजिल तो किन्ना पिछे पड़ गया, ना तू निरंकार वाली मंजिल प्राप्त की, ना तू संसार वाली मंजिल नाल जुड़े, जिता तू मौत ही कबूल लेंदा तादी मैं आखदा भी चलो जीवन नालू टुटिया, मौत तो कबूल रहा ना, बिल्कुल नहीं, तू मौत भी नहीं कबूल रहा, उतो भी डरदा है। कहन लगे इथों नजर आंदा है कि तू बेमंजिला ही सफर कर रहे हैं, भाव जीवन भटकना बन चुका है। अज दे युग अंदर आपां निगाह मारीए तो सानू तो फेरे भटकने वाला जीवन दिसेगा, ना जीवदियां च ना मुरदियां च, ना इधर के ना उधर के। साड़ी मनुखी हालत ऐसी बन चुकी है, ते गुरु ने यो गल आखी, कहन लगे पड़िया एक ख्याल कर, तैनू कोई मंजिल तो निश्चित करनी ही पाएगी। आखिर तीन पड़ा लंघे, गुरु तेग बहादुर पातशाह जी ने भी आख्या है, सतगुरु ने आख्या अपनी रचना तो, कहन लगे बाल जवानी अर बिरद फुन, तीन अवस्था जान, ये तीन पड़ा ने जीवन दे लंबे सफर विच। जदों एक पड़ा ते पहुंचदा है ना, एक पड़ा दा सफर खत्म होंदा है, उन्हों कहंदे ने हुणे बारक नहीं, हुणे बच्चा नहीं, जवान हो गया है, जिम्मेवारियां सिर ते आ गई है, फिर जवानी दा सफर करदिआं करदिआं ओ समा गुजर जांदा है, फिर बुढ़ेपा आ जांदा है, ते जवानी दा सफर मुक जांदा है, फिर बुढ़ेपा आ जांदा है। जदों बुढ़ेपे तक भी तैनू अपनी मंजिल याद ना होवे, हालांकि बाबा फरीद ने एक गल आखी, कहन लगे फरीदा काली जिन्नी ना रावया धौली रावे कोए। काली तो भाव जदों रोम काले सन, जवान सन, जवान सी, जे तेनू उदो रब चेते नहीं आया ते बुढ़ेपे विच ही आ जाए, भला ते तेरी सेध किसे मंजिल वल तो होवे ना। बाबा फरीद ने आख्या फरीदा काली जिन्नी ना रावया धौली रावे कोए, कर साई सो पिरहड़ी रंग नवेला होए, ना काला रहेगा ना धौला रहेगा, ना तू काले तो डरेगा ना धौले तो डरेगा, क्योंकि काला भी तेरा सकारत हो जाएगा, जवानी बचपन भी सकारत हो जाएगा, ते बुढ़ेपा भी सकारत हो जाएगा, तेरी कोई मंजिल बन जाएगी। पर हुण की हो रहा, बाबा कबीर जी ने आख्या, कहन लगे तीनों अवस्था लंघ दियां गईयां। गुरु तेग बहादुर पातशाह जी दे बचन वांगू के बाल जवानी अर बिरद फुन, तीन अवस्था जान, तीनों ही अवस्था विच्चों तू लंघदा गया, पर लंघदा इउं गया जिवें मंजिल कोई नहीं। आखिर लंघना तां पैणा है, जीवन सफर है, तुरिया तां जाना है, इत्थे किसे दिन ने किसे पल ने किसे घड़ी ने रुकना नहीं। सिर्फ सवाल यह है भी जिहड़ी चीज तुरी जानी है चली जानी है उंदी कोई मंजिल तां होवे, बेमंजिली भटकना ना होवे। कहन लगे जदों बाल तो जवानी तो बुढ़ेपे विच आया तां उदों की होया, हुण तक इहनू अपनी मंजिल याद नहीं सी, पर मौत ने जमने आके दमामा नगारा बजाया। नगारा बजाना की हुंदा सी, चेतनता लो कोई अनाउंसमेंट सुन लो, पुराने समय अंदर मुनादी करन वाले, कोई चेतावनी देने वाले, कोई गल दसन वाले पहला आके चौक विच नगारा ढोल वजांदे सन, ताकि लोग साढ़े वाल देखन ते साड़ी गल ध्यान नाल सुनो सुने। कहन लगे जदों बचपन भी चला गया, जदों जवानी भी चली गई, जदों बुढ़ेपा आ गया, तो फिर तैनू हुण तक जिहड़ी गल याद नहीं सी ना, वो गल याद कराने वास्ते
मौत ने जमने आके नगारा बजाया, उन्हें आके दमामा बजाया, दमामे तो बाप नगारा, दमामा बजाया, आखिया तू अपनी मंजिल गुआ बैठा है, सफर कर रहा है, हुन तेरा अंत नेड़े आ गया है। यहो गल बाबा कबीर जी ने पहले भी आखी, कह लगे एक ख्याल करी जेड़ा जेड़ा समा गुजर गया है ओ मुड़का हथ काल करन ता अब है कर, काल करन ता अब है कर, अब करता सोए ताल पाछे कछु न होएगो, फिर तेनु समा नहीं मिलना जदों मौत ने जमने आके दमामा नगारा बजा दिता भी हुण ता चलन दा वेला है, हुण की कर सकना, अमल सिरानो लेखा देना आए कठन दूत जम लेना, क्या तं खटिया कहां गवाया, चलो शिताब दमामा बज गया, शिताब दा मतलब जल्दी देर ना कर, हुण तैनू एक रत्ती बिलम ना देवनी बन जा रहा मित्रा, उनी तकड़े पाए हाथ, चलो शिताब दीवान बुलाया, फिर कहन लगे चल दरहाल, दरहाल दा मतलब हुंदा हुणे, हुण बाकी पल कोई नहीं, चल दरहाल दीवान बुलाया, मालिक ने आवाज सद्दा दिता है असी एवें नहीं आए, हर फुरमान दरगे का है, पर ओ लोग धन ने जेड़े अपने जीवन दे सफर विच अपने जीवन दी मंजिल भी तसव्वुर कर लैंदे ने, ते जेड़े जीवन अंदर अपनी मंजिल नहीं तय कर सकते, मंजिल नहीं याद कर सकते, वो बेमंजिल अपने जीवन नू एक भटकना बना लैंदे ने। इहो गल बाबा कबीर जी ने अज दे श्लोक विच आखी, कहन लगे कबीर आखी केरे मट के, कबीर आखी केरे मट के, पल पल गई बिहार, पल पल गई बिहार, मन जंजाल ना छोड़े, वो चलता ही नहीं, किसे मंजिल वाल वध नहीं रहा है, कहन लगे मन जंजाल ना छोड़े, मन जंजाल ना छोड़े, जम दिया दमामा जम दिया दमामा, आखी केरे मट के, कबीर आखी केरे मट के, पल पल गई बिहार, पल पल गई बिहार, पल पल गई बिहार। कबीर जी दा अज वाला श्लोक
जीवन नू किसे मंजिल लई, किसे भी मंजिल लई, अपनी मंजिल लई चेतन करन दा एक साधन है कि भलिया जीवन भटकना ही ना बन जाए, तेरी कोई मंजिल होवे ते चंगा होवे जे तू ओ मंजिल प्राप्त कर लें जेड़ी गुरु दस रहा है। भई प्राप्त मनुख देहुरिया, गोबिंद मिलन की एह तेरी बरिया। पर तू ते ना दीन दा रहा नुदुली दा, ना गुरु दी मंजिल बख्शी हुई प्राप्त कर सके हो, ना संसार दी मंजिल जेड़ी मौत है वह तेनू चंगी लगी, उन्दे कोल भी डरदा रहा। सतगुरु कहिंदे ने जीवन नूं भटकना तो बचाना है। बाबा कबीर जी का ख्याल है जीवन भटकना ना बने, ये किसी रस्ते चले तो जिहड़ा राह उन्दी अपनी मंजिल बने। इन्हां शब्दां नाल खिमांदा जा चिका, फतेह बुलाओ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।